कोयले पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों राज्यों के बीच गतिरोध बरकरार है। राजस्थान में कोयले की कमी के कारण गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में राजस्थान के बिजली घरों में कोयला संकट को लेकर मंत्रणा की गई। रायपुर में मुख्यमंत्री आवास में 3 से 4 घंटे तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद अशोक गहलोत की मांग पर कोई स्पष्ट फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया। अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ से मदद नहीं मिलने पर राजस्थान में ब्लैक आउट की स्थिति बनने की बात कही। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोल ब्लॉक में पर्यावरण और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। आस लेकर आए मुख्यमंत्री गहलोत को छत्तीसगढ़ सरकार से कोयला आपूर्ति पर ठोस आश्वासन नहीं मिला है। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयला खदान के लिए NOC और राजस्थान को जल्द कोयले की आपूर्ति की बात कही। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों की तरफ से वे बड़ी उम्मीद लेकर छत्तीसगढ़ आए हैं। हमारा प्रदेश संकट में है और चिंतित भी है कि आने वाले समय में क्या होगा। यदि छत्तीसगढ़ से मदद नहीं मिली तो राजस्थान में ब्लैक आउट की स्थिति बन जाएगी। इस संकट को देखते हुए उन्हें खुद आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संबंध में जल्द फैसला लेगी। संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ हमारी मदद कर सकता है और हम बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक में खनन शुरू करने, जल्द NOC देने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया। कोयला नहीं मिलने पर राजस्थान में 4500 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि कोयला देने की मांग लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान को जिस कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है उस पर कार्रवाई जारी है। प्रक्रिया में समय लगता है, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रदेश सरकार ने स्थानीय लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस विषय पर चर्चा करने छत्तीसगढ़ आए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में पर्यावरण, स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। नियम से ही खदानों का संचालन होगा, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय वन, पर्यावरण और कोयला मंत्रालय ने परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति की स्वीकृति दी है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग से NOC नहीं मिली है। स्थानीय विरोध की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार भी इससे हाथ खींच रही है। राजस्थान का अधिकांश भूभाग रेगिस्तानी है, जहां बिजली उत्पादन के लिए ना तो हाइड्रो पावर उपलब्ध है और ना ही कोयला उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की जमीन ही वहां बिजली बनाने के लिए कोयला देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।